हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास प्लस टू मैथ एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 8। एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट एक्स 6 प्लस ए 6 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर को तो एक्स स्क्वेयर लिख लिया, एक्स की पावर 6 को आप लोग एक्स की पावर क्यूब का स्क्वेयर और ए की पावर 6 को सेम टू सेम हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, एक्स क्यूब को मैं टी पुट कर दूंगा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx और t का डेरिवेटिव dt, तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 3x स्क्वायर। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी x स्क्वायर, उसको सेम टू सेम लिख दिया, एक्स क्यूब की जगह t और उसका स्क्वायर, तो t स्क्वायर बना दिया, a की पावर 3 का होल स्क्वायर, तो a 3 का स्क्वायर लिख दिया एज इट इज़, और dx जो है उसको रिप्लेस कर दिया dt अपॉन 3x स्क्वायर से। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर dt। अब अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या है कि अगर मेरे पास 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो वो होता है लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज c। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो x की जगह पर कौन आ रहा है, x की जगह पर आ रहा है t, और a की जगह पर कौन आ रहा है, a की जगह पर आ रहा है a का क्यूब। तो मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा 1/3, तो एज इट इज़ यहाँ पर क्या लगेगा, लॉग x की जगह पर कौन है, t है तो t लिख देंगे, प्लस x की जगह पर t तो t का स्क्वायर, और a स्क्वायर, a की जगह a क्यूब है उसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 6 आ जाएगा, t हमने x क्यूब लेट किया था तो दोबारा से t की जगह x क्यूब पुट कर देंगे, और इस तरीके से ये हमारा जो आंसर है वो डन हो जाएगा। थैंक यू।